हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे न्यू बैचेस, जिसके अंदर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए नए बैचेस लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, इसका एक ओवरव्यू मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। और 10 जून 2022 से आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कब से आना शुरू होंगे। तो 10 जून से हमारे रेगुलर पर सब्जेक्ट का एक वीडियो लेक्चर आना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से बैचेज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो क्लास 6 के लिए हमने जो बैच लॉन्च किया है वो है उमंग बैच। उमंग बैच में क्या होगा, हम लोग साइंस, मैथमेटिक्स और SST को कवर करने वाले हैं। इसके लिए डेली इसके एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, पर सब्जेक्ट का एक लेक्चर डेली अपलोड किया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन अबाउट 30-40 मिनट्स की हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, या किसी बड़े टॉपिक के लिए ये ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकती है। इसी के साथ में हम लोग NCERT RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT एग्जाम्पलर को भी इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो RS अग्रवाल के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आपको डेली जब भी एक वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद में आपको डेली एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद में उसे सोल्व कीजिए और उस वीडियो लेक्चर के जो हमारा होमवर्क शीट होगी, DPP जिसको हम बोलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो या तो आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या फिर उसका अलग से एक लेक्चर बना के आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको रही हो तो उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमें ये टॉपिक समझ में आया है, ये वाला टॉपिक हमारे को समझ में नहीं आया है, इसको हमें वापस से रिवाइज करवाओ। तो जब भी कभी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो हमने तीन चीज़ें देख ली है कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मैथमेटिक्स, साइंस और SST को हम कवर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको 10 जून से अपलोड करना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन SST और साइंस के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो वीडियो लेक्चर्स आपको 1 जुलाई से रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ में हम डेली 1 रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी अपलोडेड, डेली आपके लिए पर सब्जेक्ट का एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा, यानी कि डेली 3 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाएंगे पर सब्जेक्ट के, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। मैथमेटिक्स आपका 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हम कौन कौन सी बुक्स को कवर करने वाले हैं इसके अंदर, जिससे कि आपको बाकी की बुक्स ना तो लाने की ज़रूरत पड़े और ना ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल फैलाने की ज़रूरत पड़े, तो हम सारा इसी कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम NCERT की बुक हमारा बेसिक रहेगा, जिसके अंदर हम NCERT को डिटेल से फॉलो करेंगे। इसके साथ ही RS अग्रवाल, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है, जो कि CBSE स्कूल्स में, ज़्यादातर स्कूल्स में इसी को सजेस्ट किया जाता है, इसी से पढ़ाया जाता है, तो उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। और 9th और 10th के लिए हम लोग जो बुक फॉलो करने वाले हैं वो RD शर्मा और NCERT होगी। साथ ही NCERT एग्जाम्पलर के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी हम इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस करने वाले। इसके साथ ही आपको डेली होमवर्क्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, DPPs प्रोवाइड करवाई जाएगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिनका सॉल्यूशन आंसर्स तो आपको वही DPP में दे दिया जाएगा, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन आपको या तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपको PDF नोट्स जो हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे उसका स्क्रीनशॉट के थ्रू, और हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है साथ ही टाइप्ड नोट्स है वो भी आप लोगों को या तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपके वीकली और मंथली बेसिस पे टेस्ट भी हम कंडक्ट करवाएंगे। टेस्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से हम कंडक्ट करवाएंगे, उसका आपको आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे उसको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट होगा आपका। जैसे कि मान लो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा पेपर है वो आपको
सेंड कर दिया जाएगा। आप ईमानदारी से उस पेपर को लिखिए, टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से जैसे एग्जाम पेपर आप देते हो उसी तरीके से पेपर दीजिए। और उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हम डिटेल सॉल्यूशन टेस्ट का, टेस्ट पेपर का आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करके वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि हमारे को सिलेबस कब तक फिनिश करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस भी फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होता है अगस्त के एंड में या फिर जुलाई के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में क्या होता है, एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, टर्म एग्जाम्स बोलते हैं जिनको। तो इसलिए हमारा मेजर फोकस यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग अच्छे से आपका सिलेबस कवर अप करवा सके। तो हमारा टारगेट है कि सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर मिड तक हम लोग हमारा सिलेबस पूरा फिनिश कर दें। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारा कोर्स ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वीडियो के अंदर पूरे लेक्चर की समरी डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अलावा हम लोग फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका एक सॉल्यूशन वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपके साथ में मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी, जिसके अंदर आपको पहले क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, उसके बाद में आपको 2 या 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिर आप अपना आंसर चेक करना कि क्या हमने जो अभी तक पढ़ा था पिछले 3-4 महीनों में वो हमें अभी तक आता है या फिर हम सारा कुछ भूल चुके हैं। इसके साथ ही उसके बाद में हमारे रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी देख लेते हैं कि वीडियो लेक्चर्स का हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है। वीडियो लेक्चर्स अभी के लिए हमारे रिकॉर्डेड रहेंगे, उसके बाद में जैसे ही हमारे चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी आपसे जुड़ने की कोशिश करें। इसके साथ ही हमारा जो मेजर फोकस ये है कि आप लोगों को रटना नहीं पड़े किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को रटोगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो हमारा मेजर फोकस है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप चीज़ों को रट के नहीं बल्कि समझ के पढ़ोगे तो आप लोगों को वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी और आगे की क्लासेस में भी आपको वो फ़ायदा प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके साथ ही हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम लोग कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मेजर प्रायोरिटी देने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी को हमारा मेजर फोकस रहेगा, लेकिन अब हम बैच के नाम देख लेते हैं कि बैच हम कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन सी क्लास के लिए कौन कौन सा बैच चलेगा। तो क्लास 6 के लिए हमारा जो बैच होने वाला है वो होगा उमंग बैच। उमंग बैच में हम लोग क्या करेंगे ये मैंने अभी पूरा डिटेल में समझा दिया है। साथ ही हमारा क्लास 7 के लिए जो बैच होगा वो होगा एकलव्य बैच। एकलव्य बैच के अंदर भी वही सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही एक हमारा जो 8th क्लास के लिए बैच होगा वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जिसका नाम है नवउदय के बैच के अंदर हम लोग साथ में नवोदय की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, जो कि नवोदय जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी भी साथ में प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से उस पैटर्न के टेस्ट भी आपके साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो 9th का बैच रहने वाला है उस बैच का नाम है स्प्रिंट बैच और 10th का बैच का नाम होगा हमारा उड़ान बैच। तीनों बैचेस के लिए सारे फीचर्स सेम रहने वाले हैं हमारे लिए। और इसके साथ ही 9th और 10th के बैचेस के अंदर हम लोग मेजर फोकस बोर्ड और एनटीएससी के एग्जाम पे करने वाले हैं। इसके साथ ही आपके जो लोकल जिसके बोर्ड है या जिसके बोर्ड नहीं है उनके चीज़ें भी हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी के साथ हमारे बैच लॉन्चेस हो गए हैं। आप रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और आगे के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे इसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके साथ ही एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ आप रेगुलर बने रहिए, साथ ही एक अपनी अच्छे से कॉपी बना लीजिए जिसमें अपने खुद से नोट्स लिखिए, ठीक है, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, ना कि आप केवल नोट्स डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करे हुए नोट्स केवल आप रीड करोगे और रीड करी हुई चीज़ें जल्दी भूल जाओगे, खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो वो अच्छे से आपको याद रहेंगे। साथ ही जो भी हमारी DPPs होगी उनको रेगुलर बेसिस पे सोल्व करना है आपको। अगर आप DPPs को रेगुलर बेसिस पे सोल्व नहीं करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को सीख तो लोगे लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे। और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा। जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमें किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू।